क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से कमांडर्स वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम आज आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आज हम जो कवर करने वाले हिस्से हैं वो हिस्सा है बेटा कि ऑटोमोबाइल एयर पॉल्यूशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट फोटोकेमिकल स्मोक कैटालिटिक कन्वर्टर्स एयर एक्ट 1981 और उसका अमेंडमेंट 1987 में हुआ उसको देखेंगे हम नॉइस पॉल्यूशन सोनिक बूम क्या होता है केस स्टडी पर बात करेंगे हम व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन पर और हम देखेंगे कि सी एन जी एज ए ग्रीन फ्यूल कैसे इस्तेमाल होता है भारत स्टेज नॉम और बी एस सिक्स नॉम्स क्या है बेटा उस पर बात करेंगे हम ठीक है ना तो देखिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आपका एयर पॉल्यूशन पर फोकस करता है लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब नाइन जब जो है ट्वेंटी ट्वेंटी में मार्च में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ऐसी खबरें आना शुरू हो गई कि जो है आसमान साफ हो गया इतना साफ आसमान आपको बता दूं मैं मुंबई में जो है अपनी घर की छत पर आप खड़े होकर थी आसमान की ओर तारे देखना चाहेंगे ना तो आपको हार्डली एक या दो थोड़े तेज चमकने वाले स्टार्स आपको दिखाई पड़ेंगे अदरवाइज आपको जो है वह आसमान में जो है वो जो स्टार्स होते हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ते मुंबई में के पहली बार ऐसा हुआ कि जब छत पर गए हम लोग अप्रैल की बात है अप्रैल मई में, में रात की बात है तो पूरा आसमान में सारे जो है वो स्टार्स दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि एयर जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और व्हीकुलर पॉल्यूशन भी खत्म हो चुका था क्योंकि क्या था कि सब कुछ सारी एक्टिविटी रुकी हुई थी सोचिए केवल कुछ दिन इंसान जो है अपने घरों के अंदर बंद रहे पूरा का पूरा जो है वो इन्वायरमेंट जो है पूरा का पूरा पॉल्यूशन जो है कम हो गया एनवायरमेंट में जो है वो बहुत सुधार आया हटके पहली बार जो है जो डॉल्फिन दिखा नहीं करती थी इटली विटली के जो 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 किनारे हैं ना समुद्री किनारे हैं जो नदियां हैं वहां पर रिवर्स हैं वहां पे डॉल्फिन नजर आने लगी वहां पर वहां पर अलग अलग तरह के सी क्रिएचर निकल कर जमीन पर आने लगे वो और ऐसा चूंकि पहले ह्यूमन एक्टिविटी के चलते चलते ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मतलब पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण जो है आज भले ही हम एयर पॉल्यूशन पढ़े वाटर पॉल्यूशन पढ़े तमाम तरह के पॉल्यूशन पढ़े पर सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन का सिर्फ हम हैं और कोई दूसरा नहीं है ठीक है तो चलिए तो एयर पॉल्यूशन में हम केस स्टडी पर बात करेंगे दिल्ली का केस भी यहां पर हम देखेंगे तो लेक्चर में हम इंटर करते हैं और आज का लेक्चर बड़े ध्यान सुनिएगा बेटा ये बड़े रिलेवेंट इश्यूज है उन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलिए मैं जाता हूं और मैं आता हूं हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गितिन सिंह हम पढ़ रहे हैं बेटा इकोलॉजी और इकोलॉजी के आखिरी चैप्टर में हमें जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज और इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम बात कर रहे थे बेटा पॉल्यूशन के ऊपर एयर पॉल्यूशन के ऊपर मेनली तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं और यह भी देखा था हमने कि एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है तो हमने उस पर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बात किया था हमने कहा था कि लाइक आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन मैंने आपको यही बताया था कि एसो टू का पॉल्यूशन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होते हैं एटमोसफेयर में रिलीज होते हैं ये वाटर वेपर से क्रिया करते हैं एच टू एसओ फोर बनेगा और एच एन थ्री बनेगा जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो पिछली क्लास में हमने कई सारी बातें की थी स्टोन लैप्रोसी के बारे में बात किया था हमने ठीक है और ये भी देखा था हमने कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को हम कैसे उपचारित कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपसे कहा था कि हमको अपने इन्वायरमेंट को सेव करना पड़ेगा अदरवाइज सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा ठीक है ये बारे इस बारे में भी हमने बात किया था तो एक काम करते हैं के आप मुझे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए फिर हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं ठीक है ना कैसी रही होली आपकी ये बताइए पहले ठीक है अच्छा मजा आया ठीक है लेकिन आपको अगला होली का फेस्टिवल आपको कहां मनाना है बेटा मेडिकल कॉलेज के अंदर ठीक है मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी अगली होली होना चाहिए ये आप गांठ बांध लीजिए चीज ठीक है ना तो, तो मजा आएगा असली नेक्स्ट होली कहा मतलब आपने मेडिकल फ्रेंड मेडिकल, तो मेडिकल कॉलेज में तो और मजा आएगा आपको ठीक है मेडिकल कॉलेज में हालांकि होली के दिन छुट्टी होती है लेकिन उसके पहले कई लोग उसके पहले एक दो दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं या एक दो दिन बाद सेलिब्रेट करते हैं ठीक है डिपेंड करता है क्या स्टूडेंट डिसाइड करते हैं तो उस होली की बात अलग है बेटा चलिए तो पहले मुझे आप बताइए तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा उसके आंसर दीजिए पहले आप बताइए मुझे कि जो है वो पास हुआ था? के? आपको बताना है वो ईयर बताना है, जब जो है वो किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था पास हुआ था ठीक है आपको बताना है कि दिया गया इक्विपमेंट क्या है नेम ऑफ द के नेम ऑफ द इक्विपमेंट एंड पर्पज ठीक है नेम ऑफ द इक्विपमेंट एंड

ना, ना, नाम क्या है इसका बेटा और इसका फंक्शन या वर्क क्या है इस इक्विपमेंट का ठीक है दोनों आपको बताने पहले वाला भी ये वाला भी बताना आपको है ना ठीक है आंसर आंसर क्वेश्चन का नहीं करोगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा ठीक है चलिए अब आपको बताना है एक आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है के तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर मैं क्या फिगर डाल दू के एंड दिस इज एन एमसीक्यू में समझ लीजिए आपके और आपको बताना है अकॉर्डिंग टू मल्टी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकुलर साइज क्वेश्चन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ के तो आपको इन पार्टिकुलेट का साइज बताना है प्लीज मुझे आंसर कीजिएगा क्या वॉन्ट आंसर फ्रॉम कमांडोज ठीक है क्लियर तो ये किस पार्टिकल का साइज क्या होता है ये आपको बताना है ठीक है चलिए तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो महानगर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें सबसे बड़ा कारण जो पॉल्यूशन uh, का है एयर पॉल्यूशन का है वो है के इंडस्ट्रीज तो है ही सही इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स बुलाके मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन करते हैं लेकिन आज क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो शहर मेन सिटी से हटा के दूर कर दिया गया उसके हर बड़े से चाहे मुंबई की बात करें आप दिल्ली की बात करें तो इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करके एक अलग इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया है वहां पे औद्योगिक क्षेत्र अलग है लेकिन अभी भी महानगरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन शहरों में पॉल्यूशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑटोमोबाइल्स वाहनों के धुएं के कारण आप देख सकते हैं दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन सीन आप किसी भी शहर में रहते हैं जहां भी गाड़ियां खड़ी होती हैं रेड सिग्नल पे कहीं पे वहां पे ऐसा धुआं जो है वो हो जाता है ठीक है आप देख रहे हैं और कई लोग जो है होते हैं उनकी गाड़ियों की प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग नहीं होती है या उनमें पुरानी गाड़ियां होती है फिफ्टीन ईयर से ओल्ड व्हीकल होते हैं तो उसके चलते भी कई बार जो है धुआं अधिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ठीके? अब होता क्या है देखो बेटा मैंने आपसे कहा था कि वायुमंडल में एटमोस्फेयर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तो वो पॉलिटन जो सीधा सोर्स से निकलते हैं वॉट इज दी सोर्स सोर्स इज दी इंडस्ट्रीज सोर्स क्या है उद्योग सोर्स है सोर्स क्या है ऑटोमोबाइल्स आपके सोर्स है के तो मतलब एक जो धुआं निकला या कोई भी चीज ऐसी निकली जो वायुमंडल में एटमोसफेयर में मिल गया वो क्या हो गया वो प्राइमरी सोर्स हो गया उसे प्राइमरी पोल्यूटेंट का फॉर एग्जाम्पल जो है कोयले को जलाया सल्फर डाइऑक्साइड निकला प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है पेट्रोल को जलाया नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकले हाइड्रोकार्बन निकले प्राइमरी पॉलिटेंट्स ठीक है अब क्या होता जो है जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है अपने आप में एटमॉस्फेयर इज इस लाइक इसके मीडियम के तो एटमॉस्फेयर में ये गैस मिक्स होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर वायुमंडल के अंदर वाटर वेपर्स भी होती है वाटर वेपर्स जो है इनको मिक्स होने में जो है एक प्रकार से मीडियम के रूप में भी काम करता है तो कई बार क्या होता है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो आपस में जो वो है वो रिएक्शन करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं कहां पर एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बनते हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं दे आर मोर मोर हार्मफुल जो ज्यादा खतरनाक होते हैं के तो एक्चुअली क्या होता है कि हुआ ये कि मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी एयर पोलिटेंट एटमोस्फेयर में आपस में रिएक्ट किया सेकेंडरी एयर पोलिटेंट बन गया जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए और जो है वो अपना हाइड्रोकार्बन है ये आपस में रिएक्ट किया क्या बन गया पर नाइट्रेट बन गया पर एसिटाइल नाइट्रेट बन गया और जो है ओजोन बन गया और ओजोन की खास बात है ओजोन यदि वायुमंडल के, के पास ओजोन यदि आपकी सरफेस अर्थ की सरफेस के पास ओजोन रहेगा ना तो ये खतरनाक गैस है कि ओजोन इज ए पॉलिटेंट इफ इट इज प्रेजेंट नियर दी अर्थ सरफेस क्या वायुमंडल के निचले हिस्से में यदि ओजोन रहेगा ट्रोफोस्पेयर में ओजोन रहेगा तो खतरनाक है ओजोन वो ऑक्सीडेशन कर देगा क्लोरोफिल का वो कई सारी जो है वो हार्मफुल एक्टिविटी करेगा तो ओजोन इज हार्मफुल इफ प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस और लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बट व्हेन ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर जब ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो ये क्या करता है ये आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन पे आने से रोकता है तो वहां पर वो यूजफुल होता है मतलब एक ही गैस है ओजोन यदि जमीन के पास होगी तो नुकसान करेगी और स्ट्रेटोस्फीयर में होगी तो वो हमारे लिए उपयोग की होती है तभी हम ओजोन की चिंता करते हैं ओजोन लेयर के बारे में चिंता करते हैं ठीक है तो क्या होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है ओजोन भी शामिल है वो भी बन जाता है पर ऑक्सी ऑक्साइड जो पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट जिसको हम शॉर्ट में पान कहते हैं वो भी शामिल है इसके अंदर ठीक है ना ठीक है तो ये सब क्या होते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन होते हैं हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इस पर तो अभी हमने क्या कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है मैंने आपसे कहा कि वो भी एनर्जी का सोर्स होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपस में रिएक्ट करते हैं उससे क्या बनता है ओजोन बनता है और पर नाइट्रेट बनता है तो उसका फुल फॉर्म लिखना बेटा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है जो कि और ओजोन ओजोन बनता है ये दोनों मिलकर खाते है, है। हैं स्मोक इन्हें स्मोक बोलते हैं धुंध कहते हैं इसको और इसमें विजिबिलिटी काफी कम है, आती है। तो कई बार जो है वो आ, आ, अमेरिका में इंग्लैंड में जो है इसके कारण जो है वो रोड एक्सीडेंट भी होते हैं विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा होता है ठीक है इसे फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं जो जिसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं परोक्सीड और ओजोन होता है उसके अंदर ठीक है ना चलिए तो अब हम वापस एनसीईआरटी पर लौट के आते हैं तो देखो बेटा लेक्चर के दौरान मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बोलता जाऊंगा आपको और मुझे नहीं मालूम कि वो फैक्ट का मैं, मैं मैं आपको क्लियर कर दूं आपको कि जो फैक्ट है मैं आपको वो वो सारे फैक्ट जो है एग्जाम में आने वाले फैक्ट हैं के लेकिन उनका सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो सकता है ठीक है जो मुझे याद आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा वो चीजों को है ना ठीक तो है, है याद करना बेटा मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं को, कुछ भी मैं बोलता हूं लेक्चर के, के दौरान मोटिवेटिंग के बात बोलता हूं तो दिल के लिए होती है आत्मा के लिए होती है और उसके अलावा कोई कंटेंट से जुड़ी बात करता हूं मैं तो वो भी एग्जाम कामसी की होती है याद रखना इस चीज को ठीक है चलिए फोटो का, आ, मैंने आपसे क्या अच्छा कहा ऑटोमोबाइल्स आर ए मेजर कॉज ऑफ एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन दी मेट्रो मे, मेट्रो सिटीज के तो मैंने क्या कहा आपसे कि वाहन जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषण का बड़ा कारण होते हैं कम से कम महानगरों में एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेस ऑन द स्ट्रीट जैसे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है द प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज ऑन के आज आप देखें भोपाल के अंदर भी ट्रैफिक जैम मिलेगा आपको इंदौर के अंदर भी मिलेगा आपको उज्जैन में भी मिलेगा आपको के छोटे छोटे इवन विदिशा के अंदर भी आपको व्हीकलों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो आज जैसे से क्या हो रहा है कि देखो एक बात ये कि आज वाहन जो है वो एक आवश्यकता भी है वाहन आज एक स्टेटस सिंबल भी है वाहन जो है आज एक नीड हम समझते समझ सकते हैं कि आज जिस प्रकार से हमको जो है वो अपने ट्रेवल करना होता है कोई काम करना होता है तो हर आपको गाँव के अंदर पहले गाँवों के अंदर आपको जो है वो गिनती की गाड़ियां देखने मिलती थी आज हर घर के सामने गाड़ी आपको एक न खड़ी कम से कम टू व्हीलर आपको खड़ा हुआ जरूर मिलेगा आपको के और जो थोड़े सक्षम लोग हैं वो फोर व्हीलर भी रखते हैं अब देखिए वाहन अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि लोगों से बोले कि तुम बैलगाड़ी इस्तेमाल करो या बोले लगता है तुम पैदल चलना शुरू कर दो वाहन इस्तेमाल मत करो के ये तो पॉसिबल नहीं है अब जैसे देखिए जब मैं एक बार नीदरलैंड गया नीदरलैंड में क्या देखा मैंने मैंने देखा हॉलैंड के अंदर मैंने क्या देखा मैंने देखा हाँ पे कि लोग बाग साइकिलिंग करते हैं बढ़िया अप टू डेट एकदम जो है कोट पैंट टाई पहनेंगे बढ़िया सा अच्छा सा बैग रखे होंगे बड़ा महंगा वाला हैंड बैग रखेंगे वो हैंड बैग की कीमत ही तीन चार लाख रुपए के आसपास होती होगी जो हरमीज का या ऐसा हैंड बैग रखते हैं वो लोग के और बढ़िया अच्छा सा अरमानी का सूट पहनेंगे जो दस बारह लाख का सूट है बढ़िया पहनने के बाद में वो साइकिल साइकिल से ऑफिस चले जाएंगे बड़ा अजीब लगता है देख इतना डेट आदमी बड़ा साइकिल क्रिंग करता हुआ आता के और आपको बता दो अमेरिका के, के पहले वाले प्रेसिडेंट बराक ओबामा वो भी जब वो कभी फैमिली के साथ वीकेंड मनाते थे तो वो लंबा साइकिलिंग करने जाया करते थे वो उनको बड़ा शौक है साइकिलिंग का तो वहां पे एमस्टर्डम में चुकी चूंकि अच्छा है वेदर प्लीजेंट है यदि आप साइकिलिंग भी करते हैं तो वो अच्छा है और दूसरा क्या है वहां का ट्रैफिक सेंस वहां पे साइकिलिंग के लिए बकायदा रूट बने हुए हैं यहाँ पे तो वहां पे साइकिलिंग करने में आदमी को रिस्क महसूस होता है अब मुंबई के अंदर कोई साइकिल ले, साइकिल लेके निकल जाए नंबर एक वेदर गर्म है हॉट वेदर है काफी अधिक दूसरा क्या ट्रैफिक इतना है कि साइकिल कहां जाएगी पता ही नहीं चलेगा आदमी है ना तो अभी यहां पर जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स अलग से रूट ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं है लेकिन तब भी एक बात तो है कि वाहन भले ही हम इस्तेमाल करें लेकिन वाहनों की प्रॉपर सर्विसिंग करना जरूरी है वाहनों के अच्छी टेक्नोलॉजी वाले वाहनों का इस्तेमाल करना जरूरी है कि पुराने वाहनों को फेज आउट करना हटा देना जरूरी है देन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ use of विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल कैन रिड्यूस emit के अब का देखो जो वाहन है उनका हम प्रॉपर मेंटेनेंस करें हम उनमें हम लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करें क्योंकि पेट्रोल के अंदर यदि लेड होता है तो लेड ऑक्साइड बाहर निकलता है और लेड ऑक्साइड लंग कैंसर करता है लेड ऑक्साइड लंग कैंसर कर सकता है ठीक है डीजल जो होते हैं अल्ट्रा लो सल्फर लो सल्फर वाले डीजल का इस्तेमाल करें नॉर्मल डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है तो इसलिए आजकल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल का इस्तेमाल करते हैं काफी कम सल्फर अमाउंट इसके अंदर होता है ठीक है तो वैसे फ्यूल का हम इस्तेमाल करें और ये जो लेड फ्री पेट्रोल हुआ अल्ट्रा लो सल्फर डीजल हुआ इसको इस्तेमाल करने के लिए वाहनों की टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करना पड़ता है और वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए जो है नए वाहन जो जो लॉन्च होते हैं वो वो बेहतर होते हैं पुराने वाहन जो है वो पंद्रह आज दिल्ली के अंदर जो भी व्हीकल दिल्ली के अंदर जो भी व्हीकल पंद्रह साल से पुराना है फिफ्टीन ईयर से पुराना है उसको वो हटा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका रिन्यू नहीं होता उसका और उस पर चालान बन जाता है कई बार तो ओल्ड व्हीकल्स को धीमे धीमे हटाया जा रहा है उनको ठीक है अब वहां नए जो वाहन है नए जो वाहन है उनमें एक खास बात है खास बात यह जैसे कि फॉर के कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज वेरी वेरी डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इतनी खतरनाक होती है कि और ये पेट्रोल जो जलता है या आपका ईर्धन अपना फॉसिल फ्यूल जलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है कि वो एक तो नंबर एक नॉन इरिटेटिंग गैस है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपके आसपास प्रेजेंट भी होगा गैस तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप ना उसको सूंघ सकते हैं स्पेशली ना आपको कोई अलग तरह का एहसास उससे होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन इरिटेटिंग गैस होता है है और इसकी बड़ी हाई एफिनिटी होती हीमोग्लोबिन से यानी ऑक्सीजन की तुलना में 200 से लेके 250 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से और एक बार हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो वो नॉन रिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा हीमोग्लोबिन को हमेशा हमेशा के लिए खराब कर देगा ठीक है आप हमेशा हमेशा के लिए हीमोग्लोबिन खराब हो गया तो धीमे धीमे जो व्यक्ति यदि कार्बन मोनोक्साइड के, के संपर्क में धीमे धीमे उसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर रहा है और धीमे धीमे उसे पता भी नहीं चलेगा और वो अचानक से बेहोश हो जाएगा और मर जाएगा इसके कई एग्जाम्पल देखने मिलते हैं लोग बात कई बार ठंड खूब ठंड पड़ती है घर बंद करते हैं सिगड़ी जलाए उन्होंने कोयला जलाया उन्होंने ताप उन्होंने जो तापना बोलते हैं गांव के अंदर उन्होंने ये हीट उसका हीट लिया और बंद करके उसको सिगड़ी को जलाता है वो सो के सो गए उठ के सुबह मालूम चला कि घर के अंदर सातों आठों लोगों की डेथ हो गई क्योंकि वो जो धुआं निकला उसका वो कार्बन मोनॉक्साइड धीमे धीमे घुलता चला गया सोते में सांस के अंदर गया व्यक्ति को उठने का मौका ही नहीं मिला खत्म हो गया व्यक्ति तो कार्बन मोनॉक्साइड पॉइजनिंग बड़ी खतरनाक होती है फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी खतरनाक होता है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इरिटेटिंग होता है लंग्स की कई में एलर्जी करता है कई सारी डिजीज कर सकता है तो बात ये है कि वाहनों का जो धुआं निकलता है उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है और उसे ट्रीट करने के लिए आज जो है वो आज के आधुनिक वाहनों के अंदर जो है कैटलिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं द मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स यूज द कैटेलिटिक कन्वर्टर टू ट्रीट दीज गैसेस के तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हार्मफुल वो कार्बन मोनोक्साइड

इनके अंदर एक्सपेंसिव मेटल का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैलेडियम और रोडियम के याद रखिए प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम ये बड़ी महंगी मेटल होती है प्रेशियस मेटल होती है इनका यहां पे इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है पॉइजनस गैसों को ट्रीट करने में काम आती है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है तो वाहनों की का जो धुआं बाहर निकलेगा उसमें बेसिकली सीओटू होगा उसके अंदर और नाइट्रोजन गैस होगी अदरवाइज नहीं तो नहीं तो क्या होता उसमें नहीं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता और क्या होता है और उसमें जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनाते हैं उसको टाइम के और अब खास बात ये कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है यदि इसके साथ में आपने नॉर्मल पेट्रोल का इस्तेमाल किया सामान्य पेट्रोल का इस्तेमाल किया इसके अंदर लेड प्रेजेंट है वैसा पेट्रोल यूज किया तो क्या होगा तो जो है उससे उससे ये होगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाएगा ओके okay? वो मेटल

कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है अनवर्न हाइड्रोकार्बन को जो है सीओ टू में और वाटर में कन्वर्ट करता है ठीक है 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 इसलिए एग्जॉस्ट जो वो कम हार्मफुल बाहर निकलता दूसरा ये है कि इसके कौन सी मेटल होती पैलेडियम होती है प्लेटिनम होती है रोडियम होती, होती है और इसको कैसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है अनलिटेड पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है दिस रहे हैं हम स्क्रीन पे हमें स्क्रीन पर कैटेलिटिक कन्वर्टर दिखाई दे रहा है कन्वर्टर ठीक है ना ये कैसे होता है बेटा देखिए ये इस तरह का होता है तो इसके अंदर जो है वो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि एस हाँ, सी का मतलब है हाइड्रोकार्बन सीओ का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के तो देखो बेटा हम यहाँ पे कई बार वर्ड यूज करेंगे नॉक्स के नॉक्स का मतलब होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ठीक है इसमें क्या आता है इसमें एन टू ओ भी आता है इसमें एनओ टू भी आता है इसमें एनो थ्री भी इसके अंदर आता है ठीक है तो नॉक्स जो है वो हुआ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हुए कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है हाइड्रोकार्बन हुए वो एक तरफ से इंटर करते हैं और बाहर क्या निकलता है नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं और CO2 बाहर निकलता है और अंदर क्या होता श्कंदर? है इसके अंदर जो है वो एक्सपेंसिव या जो है वो इंपॉर्टेंट मेटल्स अंदर होती हैं जो पैलेडियम होता है प्लेटिनम होता है रोडियम होता है ठीक है भारत में इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में जो है वो आया और 1987 में इसको हमने अमेंड किया और नॉइस को भी हमने एयर पोल्यूटेंट का हिस्सा माना ठीक है वेरी वेरी आईएमपी ये जो ईयर वाली इंफॉर्मेशन है एक्ट वाली इंफॉर्मेशन है बेटा ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है याद रखना भूलना नहीं है तो इंडिया के अंदर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में दिया गया के और इस एक्ट को अमेंड कब किया गया 1987 में 1987 में इसको अमेंड किया गया और नॉइस को एक एयर पॉल्यूशन के रूप में शामिल किया गया के नॉइस का मतलब क्या होता है ये अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड होता है ठीक है दरअसल आप देखते हैं कि हमने एक बात गौर की है कि अक्सर अख, आप देखेंगे कि सबसे अधिक आप जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यदि आपके घर में कोई ओल्ड ओ, ओल्ड व्यक्ति है ठीक है जिनको कोई गंभीर बीमारी है ब्लड प्रेशर है तकलीफ में है ठीक है बेड रिडन है कोई ओल्ड व्यक्ति यदि घर में के या फिर छोटा बच्चा घर में कोई है या पैक्स घर में पालतू पशु घर में घर में तो आप देखेंगे कि लोग की आपको सबसे अधिक अनकंफर्टेबल समय जो होगा ना वो कौन सा होगा आप इसको किसी भी रिलीजन से मत जोड़िएगा इस चीज़ को मैं कॉमन बात कह रहा हूँ सबसे अधिक अनकंफर्टेबल समय होगा जब हम लोग जो है वो नवरात्रि में जो है वो बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं और बहुत जोर से लाउड स्पीकर लगा के जो है वो गाने बजाते हैं हम के और आठ नौ दिन तक हम ऐसा करते हैं जब गणेश जी महाराष्ट्र में जब हम गणेश जी बिठाते हैं तब हम पंडालों में बड़े बड़े लाउड

तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो है एक तो सच्चे मन में यदि देखो मैं आपसे कहता हूं दिन भर आप भजन ना बजाएं आप केवल आप शाम को एक बार जो है सच्चे मन से आप एक बार प्रार्थना कर ले आरती कर लें आपके बगैर लाउड स्पीकर के तो वो भी जो है वो ज्यादा ज्यादा फ्रूटफुल होगा ईश्वर तक आप पहुंचेंगे अंदर समझ पाएंगे आपके वैसे हम बात करते हैं कि कई लोग जो है वो बज्जिदों के ऊपर इसके ऊपर भी जो है बड़े बड़े से जो है लाउड स्पीकर लगा लेते हैं देखो मैं फिर से कहता हूँ ये बात जो है वो धर्म की नहीं ये बात है साइंस की के ये बात है कॉमन सेंस की वो लाउड स्पीकर में बहुत जो, मैं जोर जोर से जो है वो कुछ कुछ बोल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम समस्या ये नहीं कि देखो मैं आपसे कहता हूँ सबको मानने का अधिकार है अपना अपना के समस्या ये है कि हम हम जो है जो आर्टिफिशियल मीन से उनका इस्तेमाल आप करने लगे क्या जब, हम जब 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 हम जो है वो हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी या इस्लाम की शुरुआत हुई थी या जो है वो क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई थी तब क्या लाउड स्पीकर एग्जिस्ट करते थे तब क्या बिजली थी उस समय नहीं ना है ना तब से चला आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने क्या किया हमने उसको एम्पलीफाइड कर रहे हैं हम दूसरों को सुनाना चाह रहे हैं जबकि तो जितनी भी भक्ति है प्रार्थना है दुआ है ये सब सच अपने मन से होती है इसके लिए बाहर से किसी को ब, बोलने की आवश्यकता नहीं होती ठीक है तो मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि क्या होता है कि ये तो एक तरीका एक मैंने बोला आपसे कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल फिर शादी विवाह होते हैं वहां भी हम देखो एक थोड़ा एंजॉयमेंट इज चलिए आप कर रहे हैं लेकिन दूसरों को डिस्कंफर्ट ना हो इसका ध्यान रखें आप तो सरकार ने नियम बनाया बोला भाई ग्यारह बजे के बाद कोई 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 जो है वो बैंड नहीं बजेगा कोई जो है इस प्रकार का शोर नहीं आएगा मुंबई के अंदर कई सारे डिस्को थे हाई म्यूजिक होता है लेकिन वो इस प्रकार से डिजाइन किए गए होते हैं कि बाहर आपको आवाज ही नहीं आएगी एक है, है।, है, है मेजर एक्सपेंडिचर की वॉल से आवाज बाहरना है यह नॉर्म से यहां तो परमिशन ही नहीं मिलेगी तो वही बात है कि मैं आपसे कहता हूं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पटाखे को फोड़ना ठीक है ना ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें हमको लगता है कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअली में जब आप इसका देखें तो आप पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं आप साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को एक चीजों का और और शौक है कि बाइक के अंदर का साइलेंसर निकाल के मॉडिफाई कर लेंगे और बाइक जब चलेगी तो जोर से आवाज आएगी दे थिंक ये कूल है ये सब कुछ फूल है कूल कुछ भी नहीं है इसमें है ना तो मैंने कब से कहा तो नॉइस और नॉइस जो होता है इसका इंपैक्ट इतना तगड़ा होता है कि जो है वो जिनका ब्लड प्रेशर के तो उनका बीपी बढ़ जाता है उनका छोटे बच्चे ठीक से सो नहीं पाते हैं घर के घरेलू पशु जो होते हैं वो वो परेशानी में रहते हैं लोग धीमे धीमे बहरा हो रहे होते हैं उनकी सुनने की क्षमता धीमे धीमे कम होने लगती है क्रॉनिक डिफनेस बोलते हैं इसको ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और चिंता का विषय है मैं आपसे इसलिए खुल के बोलता हूँ बेटा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ही कल के नागरिक हैं आप ही जो है आज कल इस देश के लिए बहुत कुछ करेंगे आपके आप ही सिटीजन हैं और आपको बहुत रिस्पॉन्सबल सिटीजन इसलिए इन चीज़ों पर हमको ऐसा व्यू रखना चाहिए कि नहीं हमको मालूम होना चाहिए कि सही है और ये गलत है ठीक है मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हर चीज़ जो होती है वो जब तक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचा रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन दूसरा यदि दूसरा परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दूसरे को तकलीफ उससे हो सकती है दैट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लमैटिक में बी दी प्रॉब्लमेटिक थिंग तो अभी सुनिए बात की मैंने आपसे कहा कि वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विथ प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट नॉट रियलाइजिंग दैट नॉज नॉइस कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन देखिए एनसीआर खुद लिख रहा है कि हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है कि तेज साउंड हुआ उसको हम आनंद के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं लेकिन हम ये सोचते भी नहीं है कि इस नॉइस से जो है लोग दूसरे लोगों को साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन एंड ग्रेटर दी नॉइस कि जितना बड़ा शहर होगा उतने बड़े फंक्शन होंगे उतना अधिक वहां पे नॉइस होगा ठीक है और नॉइज पॉल्यूशन इज उसमें ऑटोमोबाइल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है उसमें जो है आप देखें जेट प्लेन भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें मुंबई के अंदर जो मेट्रो ट्रेन है उनका भी बड़ा साउंड होता है जो मेट्रो ट्रेन नहीं हाँ, लोकल रेल मेट्रो ट्रेन का साउंड नहीं होता के जो लोकल ट्रेन गलत बोल दिया लोकल ट्रेन जो होती है बड़ा साउंड करती आती है थीके? और लोगों की एक हैबिट है हॉन्गकिंग की जैसे मान लीजिए लाइन से कोई रेड सिग्नल लाइन से गाड़ियां लगी दस के तो दसवा नंबर पे जो गाड़ी वो हॉर्न में जाएगा वो ये सोच के कि सामने वाली नौ गाड़ियां उड़कर बाहर निकल जाएंगी अरे भाई सामने वाले को भी शोक नहीं रुकने का वो रुका है किसी कारण से लाइन लंबी लगी है तो क्यों हॉर्न बजाते हो मुंबई पुलिस ने एक बड़ा अच्छा काम किया देखिए गूगल की जगह मिलेगा आपको बड़ा अच्छा वीडियो मुंबई पुलिस ने कुछ जो है वो ट्रायल किया उन्होंने जो है कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और एक एक, एक उन्होंने रेड सिग्नल को मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर लगवाया कि जिस यदि मान लीजिए आपकी बत्ती रेड है आप रुके और आपने आपनेसरी का आपने हॉर्न बजाया तो आपका जो टाइम है उसका मान लीजिए 90 सेकंड बाद आपकी बत्ती, आपकी बत्ती लाइट जो है वो ट्रैफिक लाइट हरी ग्रीन होने वाली है लेकिन आपने हॉर्न बजाया तो वो 90 सेकंड जो है वो कम ही नहीं होगा फिर से 90 हो जाएगा फिर से 90 हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति हॉर्न बजाएगा शोर करेगा तो वो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड ही रहेगा तो लोग समझाते हैं किसी ने अरे क्यों हॉर्न बजाता भाई वो सिग्नल रेड नहीं रेड ही रह जाएगा मुंबई पुलिस ने एक ट्रैफिक पुलिस ने तरीका ढूंढा उसने कहा तुमने सिग्नल पर बजाया हॉर्न कि तुम्हारा सिग्नल रेड रहेगा और तुम यदि रेड सिग्नल में क्रॉस किए तो ये यूपी नहीं है समझ गए कि रेड सिग्नल में क्रॉस भी कर जाओ यहां पे क्रॉस किया आपने तुरंत चालान बनेगा और बड़ा तरह आपको पता है कि महाराष्ट्र में फाइन कितना है बहुत तगड़ा फाइन है रेड सिग्नल पर और ऑटोमेटिक फाइन है कि आपकी गाड़ी मान लो आपने दस बार रेड आपने देखा कोई नहीं सुबह सुबह कोई पुलिस वाला नहीं है कोई नहीं है गाड़ी रेड सिग्नल पे आपने क्रॉस कर ली खाली दे रोड देख के आपको पता ही नहीं चलेगा आपका आपका अकाउंट में वो जुड़ता चला जा रहा था मेरा ड्राइवर मेरा ड्राइवर स्कूल छोड़ने जाया करता था बहुत दिन से एक दिन क्या हुआ कि मेरी गाड़ी को उसने गलती से रेड सिग्नल पे क्रॉस कर लिया मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा था मैं उसको समझाया कि उसने पता नहीं कंफ्यूज हुआ क्या हुआ तो वो रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया हमको पुलिस ने पकड़ा पुलिस ने पकड़ के हमसे हमारी गाड़ी का नंबर वंबर एक, एक उनके पास एक डिवाइस होती है उसमें नंबर डाला उन्होंने और बोला कि डॉक्टर साहब फाइन क्योंकि तो मेरी गाड़ी में वो डॉक्टर का मार्क भी लगा हुआ है सब लगा है तो उसने समझा गया कि डॉक्टर है डॉक्टर साहब फाइन है गाड़ी का तो मैंने बोला कितना मुझे लगा पाँच सौ रुपये हजार रुपये फाइन होगा कैन यू इमेजिन फाइन था पच्चीस जो मेरे पास था ही नहीं उस समय कितना फाइन था ट्वेंटी फाइन था मेरा मैं बोला ये पच्चीस हजार रेड से क्रॉस करने का बोला नहीं सर ये एक बार का नहीं एक बार का तो ये पांच सौ रुपया फाइन है आपका ये और आपके पिछली बार गाड़ी आपकी इतनी बार सिग्नल कॉस्ट की पूरा रिकॉर्ड एक बार पकड़ में आप आ गए पुराना सारा हिसाब किताब निकाल देंगे वो उन्होंने कहा कि जो सी लिंक है उसमें गाड़ी अस्सी की स्पीड से ऊपर क्रॉस हुई चार बार गाड़ी एट्टी सिक्स की स्पीड में थी नौ बार गाड़ी आपकी हंड्रेड की स्पीड में थी तो आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड लिमिट को क्रॉस की आपकी गाड़ी रेड सिग्नल को जम की तो अब जो है आपका फाइन है पच्चीस तो मैंने बोला भैया गाड़ी सारा साइड में लगा के ए टी एम मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है इतना भी और तो उसने कहा नहीं फाइन बगैर भरे बगैर तो गाड़ी नहीं जाएगी तो मैंने कहा आप मुझे गाड़ी साइड में लाने को बोलो उसको तो मैं ये पास में एटीएम टी वहाँ से पैसा निकाल के देता हूँ फ़ाइन भरता हूँ मैं गया गाड़ी से उतर के गया एटीएम से पैसे निकाले फाइन भरा रसीद ली फिर ड्राइवर को समझाया कि अगली बार तेरी सैलरी में से कटेगा का तो उन्होंने जो है स्पीड लिमिट क्रॉस की और रेड सिग्नल जंप किया अब वो ड्राइवर एकदम अलर्ट पे कि रेड सिग्नल दूर से दिखाता तो अलर्ट आता कि भैया ये तो मतलब खतरनाक काम है कि रेड सिग्नल जब तक हरा ना हो जाए ग्रीन ना हो जाए तब तक क्रॉस नहीं करना उसको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है तो आप सोचिए कि जो है इतना अभी धीमे धीमे और आगे बढ़ेंगी बड़े टेक्नोलॉजी और ये जो महाराष्ट्र में वो सब जगह हो जाएगा इंडिया में धीमे धीमे लेकिन बात यह है कि जो है जो तो मैंने कहा मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक और रहते वो नॉइस का काम किया कि आपने यदि हॉर्न बजाया तो आपका सिग्नल रेड ही रहेगा इंटरेस्टिंग तो नॉइस बड़ा जो है वो जो प्रॉब्लमेटिक कारण है और हॉंकिंग सबसे बड़ा कारण है और देखिएगा हॉस्पिटल के आसपास एक बोर्ड लगा होता है उसमें हॉर्न बजा होगा उसमें हॉर्न बना होगा उसमें हॉर्न बना होगा ऐसे ऐसे हॉर्न बना होगा उसमें और ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा होगा कि नो हॉंकिंग प्लीज गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगता है नो हॉंकिंग प्लीज ठीक है क्यों क्योंकि तो हॉस्पिटल के आसपास आप हॉर्न बजाएंगे तो पेशेंट्स को दिक्कत होगी वहाँ पे छोटे बच्चों को दिक्कत होती है उससे तो ये तो इसीलिए अननेसेसरी हॉकिकिंग करना वो ठीक नहीं अब आपको बता दूं मैं कि हॉन्किंग का एक का एक मेरे छोटे शहरों में एक चीज और देखिए अब देखो ऐसा है ना मैं भी तो कहीं कहीं ना कहीं रहा हूँ ना तो वो है कि कई बार लोग कोई पर्टिकुलर गली से निकलते समय बाइक से कोई पर्टिकुलर गली से निकलते हैं तो वहां भी हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं तो बेटा वो भी समझदारी नहीं है किसी भी सूरत से ठीक है ना यदि आप कोई पर्टिकुलर गली से निकलते हैं और वहां से निकलते हैं आप आप अपना अटेंशन जाने के लिए हॉर्न बजाते हैं तो आप बिल्कुल भी कूल नहीं लगते एकदम फूल लगते हैं तो प्लीज विवे के आप संतुलित संयमित और बेहतर व्यवहार करेंगे जेंटलमैन बनेंगे तो लोग आपकी तरफ जो है वो ध्यान देंगे अदरवाइज लोग आपको क्या बोलते हैं इसको समझेंगे या आपको समझेंगे कि किसी काम का नहीं है ना ठीक है चलिए तो अब आप समझने वाले समझ चुके बात को अब मैं आपसे कहता हूं बेटा देखिए कि जो नॉइस है इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग क्या क्या प्रॉब्लम इससे हो सकती है नॉइस पॉल्यूशन देखिए नॉइस का मतलब है अनवॉन्टेड साउंडबली ए काइंड ऑफ हार्स लाउड कंफ्यूज साउंड आ चुका नॉइस को नापने की यूनिट होती है डेसीवेल और ह्यूमन ईयर जो होता है वो एक सौ तक का साउंड जो है टॉलरेट कर सकता है इसके बाद उसको जो है वो आंशिक बहरेपन की संभावना हो सकती है ठीक है देखिए वॉट आर दी इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इससे इरिटेशन होता है नर्वसनेस व्यक्ति जो है कई कई लोगों को पसीना आने लगता है घबराहट छूटने लगती है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है नींद आने में दिक्कत होती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो नॉइस है इसके कई सारे बॉडी पर भी इफेक्ट होते हैं ठीक है ठीके? अब आपको बता दूं मैं कि जो है नॉइस पॉल्यूशन से को कम करने के लिए शहरों में जो है वो ग्रीन मफलर का इस्तेमाल करते हैं आपको पता है ग्रीन मफलर क्या होता है ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि सड़कों के आसपास प्लांटेशन कर दिया जाता है जहां भी खाली जगह दिखती है, वहाँ पर एक बगीचा लगा दिया, है। वहाँ सारे पेड़ लगा दिया है। तो जो कम करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं इसे ग्रीन मफलर कहते हैं प्लांटेशन टू रिड्यूस नॉइस लेवल इज नोन एज ग्रीन मफलर ऐसा प्लांटेशन जो नॉइस के लेवल को कम करने के लिए उसे है उसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं ठीक है

ठीक है सुपरसोनिक प्लेन के ऑफ करने पे जो उड़ निकलता है ठीक है तो ये 150 सौ पचास डेसीवेल या उससे अधिक होता है तो इससे ईयर ड्रम जो कान का पर्दा है वो परमानेंटली डैमेज कर सकता है और व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो सकती है और कोई भी यदि लो लेवल ऑफ नॉइस भी यदि होता है तो धीमे धीमे क्रॉनिक एक्सपोजर होने पर व्यक्ति का का धीमे धीमे क्रॉनिकली जो है वो हियरिंग लॉस होने लगता है और ऐसे व्यक्ति को तेज सुनने की हैबिट रहती है कई लोग जो कान में ईयरफोन लगा के मैं क्लियर कर दूँ कि यदि आप लेक्चर मेरा सुनते हैं और आप ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो ईयरफोन को यदि आप फुल वॉल्यूम पर रखते हैं तो बेटा ये नुकसान करता है ठीक है आपका ईयरफोन का वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए आपका ठीक है सेफ लेवल होता है और यदि आप ईयरफोन के बजाय डायरेक्ट लेक्चर सुनते हैं ऑलवेज गुड यदि आप यदि ये आपने ईयरफोन आप के बजाय आप डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऑडियो में या कई बच्चे बड़े कई बच्चों ने मुझे फोटोग्राफ भेजे अलग अलग के कि वो कैसे लेक्चर सुनते हैं कई बच्चे लैपटॉप पर लेक्चर सुनते हैं जिससे दूरी से देख सके वो आंखों पे प्रेशर भी कम पड़े लैपटॉप से ले चलते हैं कई बच्चों ने अमेज़ॉन का जो है वो फायर स्टिक जो डिवाइस होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल क्रोम कास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या करते हैं अपने घर के जो को जो टी है उस टी में वो लगाते हैं उसको और टी के अंदर जो है वो यूट्यूब चला लेते हैं वो तो दूर से बैठ के टीवी का टीवी का साउंड बढ़ाते हैं उसमें सुन रहे होते हैं तो उसमें कान में ईयरफोन भी नहीं लगाने पड़ते उनको दूर से देख पाते हैं बड़ा बड़ा स्क्रीन में दिख पाता है उनको बहुत सारे यानी आपकी जनरेशन जो है बहुत स्मार्ट है ऐसे ऐसे उपाय खोज लिए उन्होंने जो दूसरे कोई नहीं सोच पाए आप ही लोग बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है और आपको बता दो गुजरात में एक जगह में नाम भूल रहा हूँ गुजरात में एक जगह पे क्या किया किसी किसी स्टूडेंट का, का के फादर का एक टॉकीज था छोटा टॉकीज था आप उस स्टूडेंट ने और बच्चों को कलेक्ट किया उसने कहा चलो अपन टॉकीज में यूट्यूब देखेंगे ठीक है तो उन्होंने कुछ डिवाइस इस्तेमाल किया टॉकीज के अंदर वो उसको प्ले करते हैं बड़ी स्क्रीन पर्दे पर सब बच्चे टाइम पे आते हैं लेक्चर सुनने के लिए फोटो भेजा उन्होंने कि सर हमने टॉकीज में आपका आप आप उन्होंने लिखा कि सर आप एक मूवी स्टार बन चुके हैं हम टॉकीज में आपका लेक्चर सुन रहे हैं सोचिए मतलब जो है इनोवेशंस जो है वो कई सारे हो सकते हैं लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये कि बेटा थोड़ा सा ईयरफो ईयर येर्फ, जो आप ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं उसका वॉल्यूम कम रखा कीजिए है ना ठीक है तो क्योंकि देखो मैं भी बहुत नॉइस प्रोड्यूस करता हूं आपके लिए है ना लेकिन ये नॉइस जो है वो क्या बोलूँ इसको इसके बगैर काम नहीं बनेगा का जी मैं बोलूंगा भी नहीं तो आप कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको है ना ठीक है चलिए तो फिर इवन क्रॉनिक्स मैंने कहा ना क्रोनिक एक्सपोजर होने पर भी धीरे धीरे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है नॉइस कॉजेस स्लीपलेसनेस नींद नहीं आती है हार्ट बीट बढ़ जाता है ब्रीथिंग पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है इससे और व्यक्ति को काफी अधिक स्ट्रेस आता है कि कई लोग चिड़चिड़े रहते हैं इसके चलते के छोटे बच्चे ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे जो बस स्टैंड के आसपास या नॉइसी एरिया में रहते हैं दे आर मोर मोर अधिक चिड़चिड़े होते हैं उन बच्चों की तुलना में जो एक शांत जो है वो जगह पर रहते हैं ये रिसर्च हुआ इसके ऊपर कि नॉइस का कितना इंपैक्ट ह्यूमन Psychology, psychology, per bhi asar hai. Per bhi asar hai. Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of bio mentors. Bye bye, Continue your lecture. reduction of noise in our industries uh, can be affected by use of uh, affected by use of sound absorbent material or muffling noise. See, simple si baat कि आज हम जैसे हमारा स्टूडियो जो बना हुआ है हमारा जो बायोमेट्रक्स का स्टूडियो बना हुआ स्टूडियो में हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ठीक है हमारा स्टूडियो उसमें हम लोग जो है वो लेक्चर को रिकॉर्ड करके जो लेक्चर की प्रोसेसिंग होती है या जो मूवीज बनती है उनको भी हम बार बार प्ले करते हैं तो हमारे बाजू में दूसरे ऑफिस वाले को दिक्कत ना हो तो हम लोगों ने क्या कर रखा है उसमें साउंड एब्जॉर्बेशन के लिए काफी सारा मटेरियल लगा रखा हम लोगों ने काफी हमारी जो जो वॉल्स है उसकी उस वॉल के बीच में कई जो है साउंड रोकने वाले मटेरियल को फिल किया गया है कभी आप मुंबई आएगा तो आपको हम अपना स्टूडियो भी दिखाएंगे तो बाकायदा प्रोफेशनल स्टूडियो तैयार किया गया जिसके चलते जो है वो कि ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो देखिए ऐसा है कि आपको जब जब तक आप कोई भी काम करने के पहले ये नहीं सोचेंगे कि दूसरे को दिक्कत तो नहीं होगी तब तक आप बेहतर सिटीजन आप नहीं बन पाएंगे ठीक है तो मतलब यह है कि आज इंडस्ट्रीज जो है बड़ी फैक्ट्री होती है उनमें बड़े बड़े साउंड एब्जॉर्बेंट पैनल लगे होते हैं उसमें और आपको बता दूँ किसके लिए जो है ग्लास ग्लासबुल कॉटन का यूज होते हैं किसके लिए साउंड एब्जॉर्मेंट मेटर होता है ग्लासबुल होता है ग्लास ग्लासबुल कहते हैं मतलब कांच के बारीक बारीक फाइबर होते हैं जो वुल के फॉर्म में आपको दिखाई देखने में लगा कॉटन है पर वो वो कॉटन नहीं होता वो होता था। कांच है तो ग्लास वुल यूज करते हैं स्टोन वुल यूज करते हैं स्टोन वुल यूज करते हैं ठीक है ये वो मेटरल होते हैं जो साउंड एब्जॉर्बिंग मेटर होते हैं और एक जो है साउंड रिफ्लेक्ट ना हो उसके लिए एकॉस्टिक इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट फॉलोइंग ऑफ लॉस लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइस लाइक डिलिमिटेशन ऑफ द हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल हॉस्पिटल और स्कूल के आसपास आपको नॉइस नहीं हॉन्किंग नहीं करना चाहिए हॉर्न नहीं बनाना चाहिए के परमिशबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर एंड जब दिवाली पर पटाखे फोड़े तो छोटे साइज के पटाखे फोड़े आपके ऐसे पटाखे फोड़े जिनसे दूसरों को दिक्कत ना हो आपके बड़े बड़े जो आते हैं बड़े बड़े सुतली बम बड़े वाला ग्रीन इतना बड़ा वाला बम के ये सब चीज़ें जो है वो बुद्धिमानी नहीं है उठ के तो आप इधर बच्चे देखिए दिवाली में यदि मनाना है तो आप फुलजड़ी या कोई भी छोटे छूट छोटे जो पटाखे होते हैं वो भी आप जलाएंगे तो बड़ा सुंदर है और एक अच्छा अच्छा माहौल है अब वो मान लो उस पटाखे को लगा के जो पटाखा जलाने वाला है जो उस फायर को, को जला के आ रहा है वो भी आग लगा के के भाग भाग गया वहां से भाग के? ऐसे कर लिया इसने। अरे तुम भाग के जब तेरे कान ढकने से तो कौन फोड़ रहा है उसको जब उतना बड़ा बम लगा के तेरे को भागना है और कान को ढकना है और सारे पब्लिक ऐसे करके ढक के बैठी है कि जोर का धमाका आएगा तो उसे फोड़ने की जरूरत ही क्या है और तुम तुम तो मजा लो ना उसका आग लगा के बाजू में खड़े जाओ आवाज सुनूंगा इसकी तो तो बता मालूम तो चलेगा क्या है, क्या फोड़ के तुम आए हो मतलब तो जो है कई बार हमको कई बार हमको ये भी पता नहीं होता है कि हम जो है वो आ, हम जो है वो कर क्या रहे मतलब तो हम जो है करना क्यों चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं कई बार हमें ये भी पता नहीं होता है तो वही बात है कि पटाखा फोड़कर उसकी आवाज का तुमको आनंद लेना है तो फिर कान क्यों बंद कर लिए और छोड़ ऐसी क्या चीज की छोड़ के भाग के आगे वहां से वापस है ना छोटे बच्चों को देखो फुल जड़ी चलाते हैं ठीक है कुछ तो वो पास है अनार चलाया उन्होंने पास से देखते वाह कितना कलर निकला उसमें ठीक है बड़े लोग और बड़े बड़े बड़, 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 बड़ी पिक्चर होते हैं वो उस अनार में अनार भी ऐसा लगता है कि अनार चलने के बाद में लास्ट में फूटेगा वो मतलब मुझसे कोई पूछता तो मतलब मैं आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट अबाउट कि वो आनंद जिससे हम अपने एयर को पॉल्यूट करते हैं जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसको पॉल्यूट करते हैं तो वो आनंद आनंद नहीं है वो ठीक है अब आप इसको देखिए जो है कई लोग उसको बोलते हैं अरे सर पटाखे फोड़नी फोड़ेंगे ये लोग भी तो अपना ऐसा करता वो वैसा करता है ठीक है देखो बेटा रैशनली हर चीज में आपका अनुपातिक रैशनली होना बहुत जरूरी है कि आप सही अनुपात में सही डिसीजन लें आप वो जरूरी जिंदगी का फंड सिद्धांत है ये कि आप एक्सट्रीम पर मत जाइए कि कि आप ये मत सोचिए दूसरे को वो ऐसे करता है आप ये सोचिए कि इस जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है उसका उसका एंड रिजल्ट क्या है ठीक है चलिए तो मैंने आपसे कहा कि लाउड स्पीकर की टाइमिंग हुए अपना अटके ये सब चीजें जो है वो मतलब बहुत सारे कानून बना रखे हैं पुलिस आती है कि भैया ग्यारह बज गया चलो बंद करो तुम्हारा ये तुम आज कर रहे हो ये टेंट लगा के तुमने आवाज किया तुमने डांस कर रहे हो अटके छैया छैया कर रहे हो तो बंद करो जो अरे सर आधा घंटा और सर ने कहा नहीं पर सर को आपको आप जो है वो किसी प्रकार से कहा गया उनको समझाने की कोशिश की गई तमाम प्रकार के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया गया कि भैया किसी प्रकार मान जाए एक घंटा और हम मजा डांस दा, करेंगे ठीक है तो एक्चुअली बेटा क्या होता है कि मैं आपने हमेशा एक बात करता हूं कि आपके आनंद मनाने में सेलिब्रेट करने में कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है कि यू शुड सेलिब्रेट यूर लाइफ ऑल्सो लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे की प्रॉब्लम उसको समझना भी जरूरी है ठीक है

स्टेट पॉल्यून कंट्रोल बोर्ड बनेंगे और ये सब निगरानी रखेंगे कि कहां पर सोर्स क्या कैसे से है कंट्रोल करना और एयर क्वालिटी को हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ऐसा हमने उन्नीस सौ इक्यासी में डिसाइड किया भारत ने देर आए दुरुस्त आए लेकिन इंडिया ने जो है वो कानून को फाइनली जो है वो जो 1972 में एग्रीमेंट साइन किया था उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया

कंजर्वेशन एक्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नाइनटीन एट्टी तो ये इयर्स बेटा याद रखिएगा आप ठीक है क्लियर और आज तो भारत के अंदर इंडिया के अंदर जो है स्पेशल कोर्ट बनी हुई है यदि पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई केस होगा सुनना बात ध्यान से एग्जाम में आ सकता है कि यदि पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा ना तो उसका कोर्ट अलग है भी और कोर्ट उसका है वो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बड़ा खतरनाक कोर्ट है यदि यहां पे मामला पहुंच गया किसी इंडस्ट्री का किसी व्यक्ति का कि पॉल्यूशन किया उसने और कोर्ट में यदि जो है वो मुकदमा हार गए तो बड़ी हाई पेनाल्टी लगती है हैवी फाइन लगता है और इंडस्ट्री को बंद भी कर सकते हैं ये है ग्रीन के ग्रीन ट्रिब्यूनल तो कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है और एक कंप्लेट यदि आपको लगता है कहीं पर कोई फॉरेस्ट को डैमेज कर रहा है कोई पब्लिक पब्लिक जैसे कोई पहाड़ है वहां पर कोई अवैध खुदाई खुदाई कर रहा है जंगल काट रहा है तो एक कंप्लेट इनके पास पहुंचती है ये कंप्लेट को वो सीरियसली लेते हैं उस पर वो कार्रवाई करते हैं ठीक है अब एक केस स्टडी पर हम बात करेंगे वो केस स्टडी दिल्ली का ही है वेट के कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पॉल्यूशन ये ऐसा चैप्टर है एनसीईआरटी का है इसके अंदर जिसमें ये कई सारी केस स्टडी को उन्होंने शामिल किया है हर पॉल्यूशन की एक केस स्टडी को उन्होंने दे रखा है तो हम बात करेंगे यहां पे कि एक कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पॉल्यूशन के की केस स्टडी की हम बात करेंगे जो दिल्ली का केस स्टडी है देखिए नंबर है आज के कई सालों पुरानी बात है कि जब जो है वो दिल्ली धीमे धीमे दिल्ली एक हमारा कैपिटल है और दिल्ली में लगातार जो आसपास के जो स्टेट है वहां से बड़ी पैमाने पर माइग्रेशन होता है दिल्ली जो है वो एक प्रकार से दिल, से इंडिया का दिल है वो समझ लीजिए जहां पे सब जगह से लोग आना चाहते हैं मुंबई भी लोग आते हैं मुंबई में भी बहुत भीड़ है दिल्ली में भी बहुत भीड़ है कि तो जो उस तरफ के नॉर्थ के स्टेट के अधिकांश लोग कई बार दिल्ली में जाते हैं मौके की तलाश में काम की तलाश में और कई लोग मुंबई आते हैं मुंबई और दिल्ली में फर्क है कि मुंबई में लिविंग कॉस्ट बहुत हायर साइड है मुंबई में जो है रहना खाना बहुत महंगा है मुंबई में मुंबई जो है वहां पे रहने की जगह नहीं मिलती व्यक्ति को दिल्ली इस मामले में थोड़ा सा कम ब्रूटल है कम कम खतरनाक है वहां पे जो है वो उतना महंगाई नहीं था जितना बॉम्बे के अंदर तो एक जमाने में दिल्ली के अंदर लगातार जो है वो इकोनॉमी बढ़ा लगातार जो है वो वाहनों की संख्या बढ़ चुकी इतना पॉल्यूशन हो गया कि दुनिया के के सबसे पॉल्यूटेड चार सिटी के अंदर दिल्ली का नाम धटके मोस्ट पॉलिटेड सिटीज इन वर्ल्ड उसमें दिल्ली का भी नाम था और दिक्कत इतनी बढ़ी कि कई सारे लोगों ने सडनली दिल्ली के अंदर एस्थमटिक पेशेंट बढ़ने लगे छोटे छुट छोटे बच्चों को दवा होने लगा कई लोगों की जो है वो समय से पहले वो जो रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण डेथ होने लगी तब मामला गंभीर हो गया विथ इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक वाहनों का जो ट्रैफिक उसकी बड़ी संख्या यहां पर है दिल्ली लीड्स दी द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इट हैज मोर कार्स देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर के कहा जाता है कि जितनी भी कारें गुजरात के अंदर हैं और जितनी भी कारें वेस्ट बंगाल के अंदर सारी कार को आप जोड़ लो सोचिए आप दो स्टेट की पूरे व्हीकल को जोड़ लीजिए उतने व्हीकल अकेले दिल्ली के पास में उतनी कारें दिल्ली के पास में ठीक है इन 1919 दिल्ली रैंक फोर्थ अमंग फोर्टी 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन वर्ल्ड के दिल्ली जो है वो अब आप बोलोगे नंबर एक पे क्या था बेटा लंदन था एक नंबर एक पे जमाने में तो नाइनटीन में जो है वो आप देखें तो दिल्ली जो है वो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ वर्ल्ड में नंबर फोर्थ पे के. अब देखो ऐसा है कि दिल्ली में जो है वो सबसे अधिक और दिल्ली में क्या है अब आप बोलोगे सर बाकी तीन सिटी का क्या हुआ एक्चुअली वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी उतना अधिक नहीं है जितना दिल्ली के अंदर तो ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, हुए दिल्ली के अंदर नंबर फोर्थ पे रैंक होने के बावजूद ज्यादा लोग अफेक्ट हुए दिल्ली के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हायर साइड है

अधिकार है कि हम सम्मान के साथ जी सके हम के हमको जो है वो आजाद जी, जीव, जीवन की स्वतंत्रता मिल सके हमको के कोई भी बने हमारे कई सारे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे यदि उससे जुड़ा कोई भी मुद्दा है तो आप सिंपल पोस्ट कार्ड पर आप चार लाइनें लिख दीजिए उसके और सुप्रीम कोर्ट को डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन वो अपने आप सेक्शन लेकर अब थोड़ा सा जो है वो लोगों ने इसका बड़ा मिस किया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए बकायदा प्रोसीजर को डिसाइड कर देगा एक जमाने में केवल एक पोस्ट कार्ड डालने भर से कोर्ट डिसाइड कर लेता था क्या करना ठीक है तो देखिए तो जो है मेह, मिस्टर मेहता जो है उन्होंने जो है वो आ, उन्होंने इंडिया के अंदर पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया पॉल्यूशन को कांप से लड़ने के लिए उनके तो उन्होंने कई केस लगाए उन्होंने ताजमहल के को ताजमहल पीला पड़ रहा है ताजमहल डैमेज हो रहा है वहां का पॉल्यूशन केस लगाया उन्होंने ओलियम गैस लीक कंपेसन की एक जगह पर कहीं पर ओलियम गैस लीक हो गया था उसके चलते लोगों को आपको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई उसका भी उन्होंने केस लगाया और दिल्ली में जो वाहनों का प्रदूषण है उसके चलते अस्थमा बढ़ रहा है उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया उन्होंने कहा कि भैया देखो इतना डेटा है कि पिछले पांच साल दस सालों में वाहन इतने बढ़े हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट इतने बढ़ गए कोर्ट में इस इन सभी केसेस को बड़ी सीरियसली लिया और मेहता जो है उन्होंने जो है वो वास्तव में दिल्ली के अंदर उन्होंने जो है वो एयर पॉल्यूशन के लिए ऐसा कहा जाए कि सच्चा योद्धा याद रखिए कभी भी जो असली योद्धा जो होता है ना वो सुपरमैन के समान नहीं दिखता है कि वो अपना स्पाइडरमैन जैसा पहन के आ गए ड्रेस के और वो आ गए वो एवेंजर्स नहीं होते हैं ये एवेंजर होते हैं ऐसे लोग एवेंजर होते हैं जो दूसरे की तकलीफ को समझते हैं उसके लिए फाइट करते हैं ये सच्चे एवेंजर हैं समझ गए बात को ये सुपर हैं के तो ये फाइट के दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के लिए और कोर्ट ने फिर जो है ऐसे डिसीजन दिए कि सरकार को भी एक बार पसीना आ गया सरकार ने बोला कि कैसे लड़ेंगे फिर गवर्नमेंट को डिसाइड करने वाली पॉलिसी सरकार के पास इतना सामर्थ्य होता है कि वो डिसाइड कर लेना कि ये करना है तो कर देगी वो लेकिन उसके लिए राह दिखाने के लिए कई बार जो है वो दंड का इस्तेमाल करना पड़ता कोर्ट ने उसी का इस्तेमाल कोर्ट ने कहा सरकार से कहा कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा ठीक देखिए तो जो व्हीकल पॉल्यूशन केस था वो केस को जो है वो आ, सुप्रीम कोर्ट में ने, सौ नाइनटीन नाइनटी टू में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया थे? और लैंडमार्क जजमेंट दिया थे? तो कि एक वर्ड यूज कर, यूज करते हैं हम लोग जो है वो कानूनों में से बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट ऐसा जजमेंट ऐसा निर्णय जो बाकी अधिक बाकी कई सारे निर्णय के लिए एक आधार बनता है मतलब जो एक प्रकार से कानून की या न्याय की व्यवस्था को जो है वो बदल कर रख देता है और न्याय को और पुख्ता करता है उसे लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं सुप्रीम

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल है उनको आपको जो है ऐसे फ्यूल पे पर शिफ्ट करना पड़ेगा जो लेस पॉल्यूटिंग पोटेंशियल का होता हो जिससे पॉल्यूशन ना होता हो तो उसका उसके सामने वो फ्यूल निकल के सामने आया सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका पूर्ण कंप्लीट कम्बेंशन होता है और जिससे कि जो है टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट नहीं निकलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा दिल्ली में सी एन जी पर है ठीक है तो बहुत सारे उपाय अपनाए गए जिसके चलते जो है वो दिल्ली जो है उसका एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आ पाया के देखिए क्या लिखा एनसीआर टी में आफ्टर बींग सनसड वेरी स्ट्रांगली बाय दी सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्ट डायरेक्टिव द गवर्नमेंट हैज टू टेक विथ इन ए स्पेशलाइज टाइम सरकार को टाइम पीरियड दिया गया इतने टाइम के अंदर तुमको करना ही करना है अटके अप्रोप्रिएट मेजर लेने को कहा गया जिसमें क्या कहा गया इसमें कहा गया कि पूरे के पूरे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हुई हुई अपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की डी की बसें जो हुई जितने भी ऑटो है, भी है वहां के जितने भी टैक्सी हैं, सबको वहां पर जो है कंप्रेस नेचुरल गैस में शिफ्ट किया जाए मतलब कोई भी डीजल से नहीं चलेगा पेट्रोल से नहीं चलेगा सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर होना चाहिए के और ऑल दी और इसके लिए दिल्ली में सभी बसेस दिल्ली में जितनी भी दिल्ली डेली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की जितनी बसेस थी सब की सब जो है वो 2002 में जो है वो सीएनजी पर चलने लगी के सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर देगा गया ग्रीन का साइन लगा होता सीएनजी ऑपरेटेड बसेस होती है वो ठीक है ये उठता है कि स्कोर्ट ने सीएनजी को क्यों प्रेफर किया और बाहर निकल के वो हाइड्रोकार्बन एटमोस्फेयर में क्रिया करते हैं और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को प्रोड्यूस करते हैं याद है ना नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन क्या बनता है फोटोकेमिकल स्मोक बनता है जो क्या होता है पर ऑक्सीड और

स्ट्रॉ uh, डिसीजन लेते हैं तो कई बार चुनौती का सामना करना पड़ता है तो पहली चुनौती सामने आई कि सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आपको सीएनजी में खर, में कन्वर्ट करना है तो आपको पूरा इंजन के अंदर इंजन जो तो फ्यूल टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा तो उसमें खर्चा हुआ ठीक है पुरानी बसेस को हटा दिया गया नई बसेस को लाया गया कंपनीज को कहा गया टाटा मोटर्स को कहा गया कि हमको ऐसी बसेजे कि हम सीएनजी चला पाए उसको वो किया गया ठीक है वाहनों में जो है वो गैस किट सीएनजी गैस किट लगाए गए जो टैक्सी थे जो ऑटो थे उनमें सीएनजी गैस किट लगाए गए उनके अंदर वो भी लगाया चलो इसके बाद दूसरा फ्यूल कहीं से मिलने का तो पेट्रोल पंप तो हर जगह पे थे लेकिन सीएनजी पंप नहीं थे हर जगह पे तो उनको खोला गया बड़े वक्त लगा लेकिन आज दिल्ली में सब कुछ एकदम स्मूथ हो चुका है तो देखिए सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाने गए के तो और जो है वो पाइप और जो है वो और सप्लाई को मेंटेन किया गया ताकि जो है वो प्रॉपर सप्लाई रहने पर सीएनजी की कमी ना हो और ट्रांसपोर्टेशन रुक ना जाए ठीक है साथ साथ में कुछ और ओल्ड जैसे कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमको व्हीकल पॉल्यूशन कम करना है तो पुराने व्हीकल को हमें हटाना पड़ेगा मतलब जो जो 15 15 15 ईयर साल साल से से अधिक पुराने व्हीकल व्हीकल हैं वे सभी सभी के है दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे और दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति उनको रख भी नहीं पाएगा इवन दे कैन नॉट एंटर इन दिल्ली सिटी एंड कोई को वो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा रिन्यू भी नहीं होगा उस पर तगड़ा फाइन लगेगा ठीक है फिर सब जगह पे पेट्रोल पंप पे अनिटेड पेट्रोल मिलेगा लेड फ्री पेट्रोल मिलेगा लो सल्फर पेट्रोल और डीजल मिलेगा वाहनों के अंदर कैटलेटिक कन्वर्टर लगाना जरूरी हो जाएगा ठीक है और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हर वाहन को ठीक है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पीयूसी लेना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर आप देखेंगे कई जगह पे दिल्ली और बॉम्बे में पीयूसी अवेलेबल लिखा होता है वहां पे अपने वाहन का एकदम की जांच कराइए और पीयूसी लीजिए तो जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हर गाड़ी में होना चाहिए यदि नहीं है तो अगेन फाइन है Okay.

वाहन अनफिट उसे क्या बोलेंगे उसे अनफिट बोलेंगे उसको आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी फिर पीओसी चेक कराना पड़ेगा यदि फिर भी आ रहा है तो वाहन हटाना पड़ेगा ठीक है फिर गवर्नमेंट ने क्या किया नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी को लेकर आया वहां बैठ के और जिससे कि जो है वो पूरे इंडिया के अंदर जो है व्हीकल पॉल्यूशन को कम कर सके उठ के और इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग नाम्स नॉर्म्स को तय किया गया इसमें ठीक है इसमें कहा गया कि पेट्रोल के अंदर जो है आपको लेड का इस्तेमाल नहीं होगा डीजल के अंदर भी जो है वो एरोमेटिक कंटेंट और जो है वो सल्फर कम होंगे इसमें तो पेट्रोल और डीजल के अंदर से सल्फर कंपोनेंट और एरोमेटिक कंपोनेंट ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न रहते हैं उनका लेवल कम करना पड़ेगा ठीक है यानी उसको फ्यूल को और अत्यवत जैसे होता ना जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है बहुत हाई क्वालिटी फ्यूल होता है एविएशन फ्यूल होता है महंगा फ्यूल होता है ठीक है तो वैसा फ्यूल जो है अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कम दाम में वो कन्वर्ट करके वो प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके लिए वाहनों की टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा ठीक है एक मूवी है हमारा बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स का जिसका जो जिसका जिसको आप जरूर देखिएगा व्हाट इफ ऑल फॉर दी फॉसिल फ्यूल गेट ओवर याद रखिए आज दुनिया के पास जो फॉसिल फ्यूल है वो हार्डली 50 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा और कहते हैं कि अगले 25 साल के बाद अगले 25 साल का ऐसा कहा जाता है कि अगले पच्चीस तीस साल के बाद में जो फॉसिल फ्यूल है जो पेट्रोल है और डीजल है ये केवल और केवल जो है वो एयरफोर्स के पास में होगा ठीक है जो उनको प्लेन उड़ाना है करना है तो वो केवल सरकार के डिफेंस में इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट डिफेंस के लिए यूज करेगी बाकी सारे लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल हुआ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड व्हीकल हुए उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा तो एक मूवी बनाया हम लोगों ने इसके ऊपर की वॉट इफ ऑल दी फ्यूल गेट ओवर के अल्टरनेट फ्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं तो उस मूवी को देखिएगा जरूर इसको के फिर अब बात करते हैं कि जो फ्यूल क्वालिटी है जो नॉर्म्स हैं

धीमे धीमे सरकार ने एक रोड रोड मैप मैप बनाया और कहा कि सल्फर का लेवल हम 50 पीपीएम तक कम करेंगे और जो है वो जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है इसका लेवल 35 तक हम कम करेंगे तो व्हीकल के इंजन को जो है उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा वाहनों के इंजन को जो है वो बेहतर करना होगा तो इसके लिए बाकायदा जो इमिशन नॉम्स दिएगा तो जो यूरो नॉर्म्स है ना उन्हीं को इंडिया में हम लोग भारत स्टेज नॉर्म्स बोलते हैं ठीक है देखिए जो टाइप ऑफ व्हीकल की बात करें फोर व्हीलर है भारत स्टेज फोर नॉर्म के जो कब से लागू हुए थे ये अप्रैल 2017 से के थ्री व्हीलर के लिए ये अप्रैल 2017 के 4 टू व्हीलर के लिए अप्रैल 2017 के मतलब सब तरह के व्हीकल के लिए जो है पूरी कंट्री में जो यूरो फोर नॉर्म तक के याद रखना BS4 किसको बोलते हैं BS4 नॉर्म बोलते हैं इसको आपके भारत स्टेज 4 नॉर्म भारत स्टेज भारत स्टेज फोर नॉर्म बोलते हैं बी एस या यूरो फोर नॉर्म बोलते हैं इसको हम के तो इंडिया में भारत है तो स्टेज बोलते हैं इसको तो भारत स्टेज फोर जो नॉर्म्स हैं ये पूरी कंट्री में 2017 से अप्रैल फर्स्ट अप्रैल एक अप्रैल 2017 से ये लागू थे ये ठीक है अब खास बात ये ये तीन साल बाद सरकार ने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि हमको यूरो नॉर्म पर नहीं जाएंगे भारत स्टेज फाइव पर नहीं जाएंगे सीधा हम पर जाएंगे तो सीधा सिक्स पर जाने का मतलब है कि वाहनों की टेक्नोलॉजी में बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा सारा ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है वो डाउन इसलिए हुआ क्योंकि जो है जो है बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने कहा जैसे, जैसे मारुति मोटर्स हुआ कंपनी हुआ इनको अपने कई सारे मॉडल बंद करने पड़े मारुति ने बोला भैया ये डीजल वाली गाड़ियां सारी बंद कर देंगे हम क्योंकि डीजल वाला इंजन बनाने में बीएससी बनाने में हमको बहुत खर्चा आएगा और उतना खर्चा हम निकाल नहीं पाएंगे मार्केट से ठीक है सरकार ने बोला नहीं जो दुनिया में सबसे बेस्ट पॉलिसी उसको अपनाएंगे हम बी एस फाइव पर जाकर हम पीछे नहीं होंगे दुनिया से हमें सीधा बीएस पर जाना है तो अप्रैल 2020 हमेंटी से बी एस सिक्स नॉर्म पूरे इंडिया में लागू हो रहा है पूरे इंडिया में लागू हो रहा है एक साथ ठीक है फाइव आया ही नहीं फोर के बाद फोर लागू होन में और ट्वेंटी ट्वेंटी में लागू हो जाएगा कौन सा आपका बी एस सिक्स नॉम लागू हो जाएगा आपका ठीक है वॉट इज भारत स्टेट सिक्स will be implemented from April 1st 2020. Mandates installing filters in vehicle to cut particulate matter from the exhaust. Can exhaust के अंदर से particulate matter को ऑलमोस्ट खत्म कर कम किया जाएगा ठीक फिर vehicle का पॉलिटिंग potential काफी कम हो जाएगा काफी बड़ा drastic परिवर्तन आएगा तो सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि कई motor vehicle जो हैं कई कंपनियां जो हैं अपने डीजल इंजन को बंद कर रही हैं मारुति बोल रही है कि हम हाँ अपना डीजल इंजन अभी निकालेंगे नियम के मारुति ने अपनी जो चलती हुई बड़े बड़े जो ब, ब, जो पॉपुलर मॉडल्स थे उनको उसने कंपनी ने बंद किया और पेट्रोल इंजन को लॉन्च किया पेट्रोल कम पॉल्यूशन करता है एज कंपेयर टू तो डीजल और बाकी कंपनी ने बोला कि हम अपने वाहनों की प्राइस बढ़ाएंगे क्योंकि हमको डीजल में कन्वर्ट करने में अधिक जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ड मोटरस है फोर्ड के पास ऑलरेडी डीजल की बी एस सिक्स वाली टेक्नोलॉजी प्रेजेंट थी क्योंकि यूरो सिक्स वाला ऑलरेडी चल रहा है यूरोप के अंदर वही इंजन को उन्होंने यहां पे लगाना है इंडिया के नट के तो लेकिन जो वहां से लाने में इंजन को जो कंपोनेंट मंगाने में जो कॉस्ट बढ़ेगा वो कॉस्ट बढ़ गया तो हर व्हीकल हर व्हीकल का कॉस्ट दो से तीन लाख रुपए बढ़ गया डेढ़ लाख बढ़ गया किसी का दो लाख बढ़ गया किसी को पचास हजार बढ़ करके डिपेंड करता है कितना कंपोनेंट बाहर से मंगाया फॉर एग्जाम्पल जो एक एक पॉपुलर व्हीकल है अमेरिकन व्हीकल वीक, है जीप जीप का जीप कंपास है जीप गाड़ी मिलती है उसका कॉस्ट सीधा एक लाख रुपए बढ़ गया का कॉस्ट बढ़ गया टोटा फॉर्च्यूनर का क्योंकि कारण उसके पीछे ने अभी बी एस फोर का काम किया मारुति को बी एस सिक्स पर जाना पड़ेगा ना तो मारुति को तो इंजन मंगाना पड़ेगा बाहर से जो वो करना नहीं चाहते कॉस्ट बढ़ जाएगा इंपोर्ट करने पर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी उन्हें इन्वेंट करना पड़ेगा तो मारुति नीड्स मोर टाइम

नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो फिफ्टी सिक्सटी एट परसेंट तक कम होंगे और जो है आपके पार्टिकुलर मेटर का लेवल एट्टी टू परसेंट तक कम होना चाहिए ठीक है देखिए ना वेरी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन बेटा बिल्कुल इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में पूछ सकते हैं आप फिर भारत स्टेट सिक्स जो है जो है वो फर्स्ट अप्रैल से लागू हो रहा बेटा मोस्ट एडवांस इमिशन स्टैंडर्ड है ये पूरी दुनिया में इसी, इसी को फॉलो किया जा रहा है इसमेंट के और इसमें जो है वो वाहनों में जो इंजन के अंदर बड़े परिवर्तन किए जाएंगे इसमें जिसके चलते जो है वो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल व्हीकल्स का काफी कम हो जाएगा ठीक है देखिए आप ना इमिशन किस किस लेवल से घटा बी एस सिक्स बी एस टू बी एस थ्री बी एस फोर को कंपेयर करें तो हमने बी एस वन की तुलना में बी एस फोर में हमने एट्टी परसेंट तक जो है रिडक्शन कर चुके थे इमिशन के पॉलिटिंग पोटेंशियल का अब इसको और कम कर रहे हैं हम तकरीबन वो नाइन्टी परसेंट से भी अधिक जो है वो कम हो जाएगा इमिशन लेवल जो हार्मफुल केमिकल्स जो लेवल है इस एग्जॉस्ट के अंदर वो ठीक है थैंक्स टू एफर्ट एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लेकिन फिर वही वाली बात है कि एयर क्वालिटी दिल्ली का जो है इम्प्रूव तो हुआ लेकिन उसके बावजूद जो है आज भी फिर से जो है वो चूंकि दिल्ली का वेदर भी वैसा है और आसपास जो है वो कहा जाता है कि जो हरियाणा है पंजाब का एरिया वहाँ पे जो लोग फसल के कटने के बाद में जो जो फसल में खाली जो जो स्टंप होता है निचले वाला हिस्सा होता है और उसको जला देते हैं लोग बाग उसका धुआं भी दिल्ली में जाता है फिर वाहनों का पॉल्यूशन है ही सी वहाँ पर के इसके चलते कई बार अभी भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल धीमे धीमे बढ़ने लगा है ठीक है देखिए तो दिल्ली में जो है वो ऐसा कहा जाता है कि सब्सटेंशियल फॉल हुआ था सीओ टू और एसओ टू के लेवल में तो आ, 1997 से हजार 2005 तक अब चूंकि एनसीआर टी दो हजार टू थाउजेंड या सेवन में एनसीआर टी का, का ये वाला वर्जन लिखा गया है इसलिए इन्होंने वहां को फिगर लिया अदरवाइज दिल्ली पिछले तीन साल से दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन फिर से बढ़ने लगा है क्योंकि दिल्ली में फिर से वीक, जो है वो व्हीकल्स का नंबर काफी तेजी से बढ़ गया है और आसपास और दूसरा क्लाइमेटिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी दिल्ली के अंदर काफी बढ़ गया है ठीक है तो उस पर हम अभी फिलहाल बाद में बात करेंगे कभी हम जब आ, मैं आपको एक्स्ट्रा स्टॉक में कुछ पॉइंट दूंगा उसके ऊपर लेकिन अभी वहां पर तक एग्जामिनर एक्षा, नहीं पूछेगा लेकिन बी एस सिक्स नॉम पर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा याद रखना ठीक है चलिए तो ये तो बात की हमने सब कुछ ये तो सारी बात की हमने एयर पॉल्यूशन के ऊपर ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा वाटर पॉल्यूशन के ऊपर देखेंगे तो जो हम जो टाइम हम लगा रहे हैं इन लेक्चर में क्योंकि बेटा क्या ये इसमें कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रैंडम होती है जो एग्जाम में पूछ ली कई बार इसलिए बेटा हमको ध्यान से पढ़ना है इसको ना जल्दबाजी में पढ़ के अब जितना मेहनत कर क्वालिटी नहीं बिगाड़ेंगे है ना ठीक है बाकी अपना पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए रोज कम से कम आपसे मिलने का मौका तो मिल रहा है मेरे को है ना ये मौका मत छीनिए मुझसे ठीक है फिर क्रैश कोर्स से बात करेंगे अपना तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.